हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स योर स्टडी जोन। सो प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। सो आज हम करेंगे इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 × 6 × 4/3 as 1/3 × 6 × 4/3 means ये इसमें ये जो दिया हुआ है इसमें ये जो एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमारी लगेगी, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ ली है। मैंने आपको लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो सारी प्रॉपर्टीज़ वापस से देख सकते हैं और जिन्होंने नहीं देखी हैं वो भी देख सकते हैं। सो 1/3 ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर हमारी क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। तो प्रॉपर्टीज़ हमारी ये कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम क्या मान लेते हैं, ए क्या है हमारा 1/3, बी 6 और सी क्या है हमारा 4/3। सो ये हमारी किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कौन सी थी, ये प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8, वाई और वाई नॉट। ये हमारा क्या दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, सो जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 8/9 का, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किसको बोलते हैं, रेसिप्रोकल को भी बोलते हैं। तो 8/9 का क्या हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। तो पहले हम इसको क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में ले आएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में। सो ये हो गया 8 × 1, 8 × 1 = 8 प्लस 1/8, तो ये हो गया हमारा -9/8। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, -9/8। तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। लेकिन ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। सो 8/9 इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इज 0.3 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3, वाई और वाई नॉट। सो 0.3 हमारा डेसिमल फॉर्म में, तो 0.3 को अगर हम रेशनल नंबर में लिख लेंगे तो ये 3/10 हो जाएगा। ठीक है, 3/10 हो जाएगा ये। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3 का कितना हो जाएगा, 3 × 9 + 1 = 10/3। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो गया, 10/3 हो गया। अब इसको हम इनवर्स कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/10। तो यस, 0.3 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3। क्वेश्चन नंबर 10 इज द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। हमें ऐसा रेशनल नंबर बताना है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, 0, बिकॉज 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, 0/0। अगर इसको ये रेसिप्रोकल करेंगे तब भी 0 आएगा, तो 0 का भी हमारा कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, 10th का, द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसे रेशनल नंबर लिखने हैं जो अपने रेसिप्रोकल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आंसर इज 1 और -1। 1 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 1 और -1। क्वेश्चन नंबर 3 है 10th का, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। वो रेशनल नंबर लिखना है जो कि अपने नेगेटिव के भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम 0 − 3 करेंगे तो हमारा आंसर -3 आएगा। ठीक है, 0 करेंगे तो सेम आएगा हमारा आंसर, तो ये क्या है, अपने नेगेटिव के इक्वल है इसके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है हमारा, 0 हैज़ रेसिप्रोकल।
अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है कि जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, प्रीवियस क्वेश्चन सेम। तो वन एंड माइनस वन का भी क्या होता है, सेम रेसिप्रोकल होता है, खुद वो अपने रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस फाइव इज, अब हम माइनस फाइव का रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। ये हो गया हमारा माइनस फाइव, इसका क्या हो जाएगा वन बाय माइनस फाइव। ठीक है, ये मान लो फाइव के नीचे वन है तो ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला गया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला गया। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या हो गया, वन माइनस वन अपॉन माइनस फाइव। फोर्थ है हमारा द रेसिप्रोकल ऑफ वन अपॉन एक्स वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हमें इसका रेसिप्रोकल बताना है। एक्स जीरो के इक्वल नहीं होगा, ये हमारा पी ऑफ वन क्योंकि फॉर्म में, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्स हो जाएगा, एक्स अपॉन वन एक्स मीन्स। ठीक है, फिफ्थ है इसका द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, मीन्स अगर हम टू रेशनल नंबर्स को पी एन क्यू है फॉर एग्जाम्पल, टू रेशनल नंबर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, रेशनल नंबर हमारा जैसे ये दिया हुआ है वन वन अपॉन टू इंटू थ्री अपॉन टू, तो ये हमारा रेशनल नंबर क्या होगा, थ्री बाय फोर। तो जो इसका रेशन प्रोडक्ट होगा टू रेशनल नंबर्स का हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा है द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज़ पॉजिटिव, अगर हमारा कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है थ्री बाय फोर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, थ्री बाय फोर हमारा क्या है, एक पॉजिटिव क्या है, रेसिप्रोकल सॉरी रेशनल नंबर है। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे इसका हम, तो ये कितना हो जाएगा, फोर बाय थ्री। आंसर हमें क्या मिला, पॉजिटिव मिला, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारी एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को आगे शेयर कीजिए, स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट्स को स्टडी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो उससे निकल सकें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।